ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंटक कार्यालय सेक्टर 4 में महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने उपस्थित सभी लोगों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए सभी की कुशलता के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की। आज तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस दिन भगवान भोलेनाथ कालों के काल, देवों के देव महाकाल की पूजा अर्चना करके हम सब सर्वहारा के सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। परिवार अपने आप के लिए तो मांगते हैं, लेकिन इस भाव के साथ कि जिस तरह भगवान भोले वाकई में भोले शंकर है, सबकी रक्षा करते हैं, सबको वरदान देते हैं, यहाँ तक कि राक्षसों को भी वरदान देते हैं अगर उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति है तो, ऐसे भोले भंडारी जी से आशीर्वाद लेके सबकी कामना करते हैं। और इस बार वाकई में अद्भुत माया है भगवान की कि हर धार्मिक कार्यक्रम अति उत्साह से, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान में भी पूरे इतने उत्साह और उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आने वाला कल वाकई में हमारी सनातन धर्म संस्कृति की एक पृष्ठभूमि फिर से रखनी जा रही। और आज कई जगह जाते हुए मैं आज इंटक के इस कार्यालय में हमारे भाइयों के साथ, जो मेरे परिवार के हैं, मैं खुद भिलाई इस्पात संयंत्र का एक कर्मचारी रहा हूँ इसलिए ये मेरे परिवार के हैं, और सभी हमारे कर्मचारी भाई, अधिकारी भाई के साथ मिलकर यहाँ पर भी मैं अपनी सहभागिता निभाई। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और इसी तरह हम सब प्रेम भाव से, श्रद्धा से भगवान के प्रति विश्वास रखें ताकि हम सब जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति हम सबको हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी जनों को हमारे इंटक के महासचिव जी ने मुझे आमंत्रित किया और मैं उसी दिन भी कहा था मैं आऊँगा, सबसे मुलाकात होगी, भेंट मुलाकात होगी, अच्छा लगेगा। तो आज मैं आया और सबको बधाइयाँ दी, सबके साथ मिलकर इस भव्य आयोजन को मैंने शेयर भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस महाशिवरात्रि के पर्व पर हम पूरे शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगते हैं कि पूरे शहर का पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, भिलाई स्टील प्लांट पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यह ऐसा पर्व है जिसमें सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी बीच हमारे बीच में माननीय सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, कर्मचारीगण हमारे कार्यालय आए हैं, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। आज सुबह हमारे यहाँ पूजा हुआ, उसके बाद अभी महाभोग का आयोजन चल रहा है और काफ़ी बड़ी संख्या में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी आ रहे हैं और बहुत अच्छा हर्षोल्लास का माहौल है।